आज हम अपने चैनल ज्ञानी तड़का भाई कपिल शर्मा में तो लेकर आए हैं हम मैथ, हमारे स्टूडेंट की थोड़ी रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप मैथ का कोई भी टॉपिक बहुत दिनों से लेकर नहीं आए हैं, तो आज हम उनके लिए आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिभुज, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब हम बचपन में थे तब भी हमें सिखाया गया जिसके तीन कोण होते हैं, त्रिकोण होता है उसे हम त्रिभुज बोल सकते हैं। देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये त्रिकोण, त्रिभुज इसको हम त्रिभुज कहते हैं, सभी जानते होंगे। ये देखिए ये कोण है इसके अंदर बने हुए, ये अंतः कोण है, ये बाहिक कोण है। आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग, त्रिभुज की जो तीनों कोणों का के कर दूँ मैं इसको की लिखा हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जो तीनों कोण है इसके अंदर के उनका योग 180 होता है। त्रिभुज देखिए आप ABC ये जो नज़र आ रहा है उसको हम समकोण बोलते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता है उसे हम समकोण बोलते हैं। ये 90 का है तो ये दोनों और ये इसको मिलाकर जो कोण बनेगा उनका योग होगा 180 डिग्री। देखिए आप समकोण त्रिभुज हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो आप इसमें ये जो है एसी वो है कर्ण, ये जो है वो लंब और ये जो है आधार। तो लंब का वर्ग देखो आप क्या है AB है और आधार का वर्ग क्या है BC का वर्ग है। तो हम यहाँ रख सकते हैं उसका मान, AC का वर्ग कर्ण हो गया, लंब का वर्ग ये जो था वो AB है लंब, वो BC जो है वो आधार है, तो BC का वर्ग कर दिया हमने। अब देखिए अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब 3 है एवं कर्ण 5 है तो आधार ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय जो है वो है कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आधार, तो हम इसको यही रखेंगे आधार को, इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, पता चलेगा कि AC का वर्ग माइनस हो जाता है AB का वर्ग। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि हम जो बड़ा है उसका वर्ग निकाल के और जो छोटा है जैसे कि लंब जो उस तरफ जाना है उसका वर्ग उसमें से माइनस कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, 25 में से 9 जाएंगे तो आ जाएगा अंतर 16। तो पहले हम लॉन्ग ट्रिक से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो हम BC को यही रखते हैं जो आधार है उसका वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब क्या है यहाँ AB था तो कर्ण हमारा था 5, उसका वर्ग कर दिया स्क्वायर कर दिया उसका माइनस 3 स्क्वायर, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 3 का हो जाएगा 9, 25 में से 9 गए कितने आते हैं 16 आ जाएंगे। 16 जो है 25 में से 9 गए तो आ जाएगा 16। अब आपको यदि मालूम ना हो तो मैं बताऊं कि यदि कल यहाँ होता है बराबर तो ये जो वर्ग है वो इस तरफ आएगा तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट, तो BC यही रहेगा ये हो जाएगा अंडर रूट। तो ये अंडर रूट में से जब हटते हैं 16 तो क्या हो जाता है, देखो बता दूँ मैं 16 का वर्ग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4, तो ये जब डबल हो जाते हैं तो 1 4 12 आ जाएगा, तो
इसका आंसर आ गया 4, तो आधार के आगे 4। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी आप देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि कर्ण कवर बराबर होता है लंब कवर प्लस आधार कवर, तो हमें आधार ज्ञात करना है तो बस माइनस करना है, बस इतना याद रख के रखना। लंब ज्ञात करना होता तब भी हम माइनस ही करते, कर्ण करना होता तो फिर भी उन दोनों को हम ऐड करते उनका वर्ग करके। तो कुछ नहीं करना आपको, वही 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, आंसर आ जाएगा 16 का अंडर रूट, बस ये 4, ये आंसर आ गया। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 2:3:4 है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा या सबसे बड़े का है? अभी हम छोटे का इसमें पूछा है तो छोटे का ज्ञात करेंगे। अब मैं यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लॉन्ग ट्रिक आप ट्रिक से आप करते आए होंगे, कुछ नहीं करना। उनकी वैल्यू क्या रहेगी कि 180 है, तो तीनों कोणों का योग क्या रहेगा 180, और हमारी वैल्यू क्या है 2, 3 और 4, ये तीनों का योग निकालो 9 आ गया, तो उनकी वैल्यू में अपनी वैल्यू का भाग देना है। उनकी वैल्यू क्या है 180, अपनी है 9, तो 9 का भाग दे दो, 9 2 18 और 2 0 0 20 मान आ गया, 9 2 18 और 0 की 0 20 आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, आपका आ गया 20। अब यहाँ देखिए आप, सबसे छोटा कोण कौन सा है, इसमें 2 दिख रहा है ना अनुपात में, तो 2 में बस 20 का गुणा करना है, 20 2 40, सबसे छोटा कोण आ गया अपना 40। अब देखिए आप, यदि वो पूछते कि सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 4 दिया है, यहाँ देखो आप 4 सबसे बड़ा है इसमें, 4 जो है वो सबसे बड़ा है, तो कुछ नहीं करना, 4 में 20 का गुणा करना है, तो 20 चौको 80, ये सबसे बड़ा कोण आ गया। अब बचा कौन सा, मीडियम, तो उसमें भी गुणा करके देखते हैं हम, 3 गुणा 20 ये कितने आ गया 60। अब देखो आप अपना आंसर सही था या नहीं, 80 60 और 40, 60 और 40 कितने हो गए 100, और 80 कितने हो गए 180, ये आ गया हमारा सही आंसर, तीनों कोणों का योग 180 आ गया। तो सबसे छोटा कोण आ गया था 40, सबसे बड़ा आया था हमारा 80, और जो बीच का कोण था वो था 60। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे, हम आपके लिए और भी नई वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, और ज्ञानी तड़का भाई कपिल शर्मा के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।